पावर स्टार पवन सिंह का गाना बबुनी के रंग में। जी हाँ, जो होली सॉन्ग है इसके बारे में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि ये गाना अब तक का भोजपुरी का सबसे महंगा गाना होने वाला है। ये गाना 50 लाख का गाना है, और इस गाने को लेकर इतनी बस क्रिएट की जा रही है कि भाई लोग इस गाने को, वैसे आपको बता दें कि इस गाने को लेकर बहुत बस क्रिएट किया जा रहा है। पवन सिंह ये चाह रहे हैं कि ये सॉन्ग उनके पिछले सॉन्ग से भी ज़्यादा हिट रहे और लोगों को पसंद आए। यहाँ इस इंटरव्यू में पवन सिंह ने जमकर खुलासे किए। पवन सिंह ने यहाँ पर बहुत कुछ कहा और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग विवाद कर रहे हैं उन पर भी बोला। पवन सिंह ने यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदियों के लिए ये कहा कि भाई क्या उनके आ जाने से मैं यहाँ से चला जाऊँगा? ऐसा तो है नहीं, मेरा वक्त जब तक है मैं तब तक रहूँगा। इसके बाद पवन सिंह ने कई ऐसी बातें की जो दिल को छू लेने वाली है। काजल राघवानी को स्टार बनाने वाली बात को लेकर पवन सिंह ने ये कहा कि वो किसी को स्टार नहीं बनाए हैं। साथ ही साथ पवन सिंह ने यहाँ पर ये कहा कि जो फैंस भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं एक दूसरे पर, चाहे वो मेरे हों चाहे वो किसी के भी हों, वो अच्छी बात नहीं होती है। फिर यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की गई है, और यहाँ पर एक और खुलासा किया कि मैंने 10 से 15 फिल्में साइनिंग अमाउंट सहित वापस की है। यानी कि पवन सिंह अब सिर्फ क्वालिटी वाला काम करना चाहते हैं, और जो कि वो क्वालिटी वाला काम के काम में दिखता भी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।